नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और हर दिन कोरोना अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, जिसके तहत पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,34,692 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही कोरोना के संक्रमित केसों की संख्या हो गई है 1,45,26,609। और हम अगर बात करें एक्टिव मरीजों की कि आज के डेट में कितने कोरोना के एक्टिव केस हैं, तो हम आपको बता दें कि 16,79,740 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। जी हां, और ये बड़ी संख्या है और यही संख्या देश के तमाम प्रशासनिक व्यवस्था में लचरता को दिखा रहा है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने आज आह्वान किया है कि जो हरिद्वार में कुंभ हो रहा है उसे प्रतीकात्मक कुंभ कर दिया जाए, अर्थात कुंभ के 5 शाही स्नान के लास्ट शाही स्नान आज खत्म होने के बाद कुंभ को एक तरीके से प्रतीकात्मक कर दिया जाए, ना के बराबर करके समाप्त कर दिया जाए। जिसके बाद जूना अखाड़े के महंत अवधेशानंद गिरी ने भी कहा है कि हम पीएम मोदी के आह्वान का सम्मान करते हैं और हो सकता है कि अखाड़ा परिषद की मीटिंग के बाद शायद कुंभ को प्रतीकात्मक कर भी दिया जाए। उधर कल ही निरंजनी अखाड़ा के महंत ने कहा था कि कुंभ समाप्त समझा जाए, हालांकि उस वक्त कुछ संतों में विवाद थे, उन्होंने विरोध भी किया था, लेकिन आज पीएम मोदी के आह्वान पर शायद सभी संतों का एक मीटिंग हो और उसमें ये डिसीजन लिया जा सके कि कुंभ को समाप्त कर दिया जाए और ज़्यादा लोग कुंभ स्नान के लिए ना आए। जी हाँ, अगर हम बात करें कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन को लेकर, तो वैक्सीनेशन में अब तक करीब 12 करोड़ लोगों को कोरोना के वैक्सीन दिए जा चुके हैं। जी हाँ, अब तक 11,99,37,641 लोगों को कुल वैक्सीन के खुराक दिए जा चुके हैं और यही सबसे बड़ी उम्मीद है कि शायद वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद कुछ समय के बाद कोरोना पर काबू पाया जा सके। हालांकि जिन्होंने वैक्सीन लगाया है उनके साथ भी अनहोनी हो रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। वो कोरोना पॉजिटिव तो हो ही रहे हैं, कई जगह उनके एक जान भी गए हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जो जान गए हैं वो वैक्सीन के कारण गए हैं या किसी अन्य बीमारी के कारण। जी हाँ, और इस बीच हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि कोरोना पर काबू पाने के लिए जिस प्रकार सरकार जगह जगह लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, उसी प्रकार उस पर काबू पाने के लिए हमारा भी दायित्व है कि हम मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी अपनाएं और बार बार हाथ धोते रहें ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके।